लखनऊ से दो थाना प्रभारियों के तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर चिनहट और वजीरगंज इंस्पेक्टर के ट्रांसफर। चिनहट से धनंजय पांडे को वीरगंज भेजा गया। वीरगंज से घनश्याम त्रिपाठी को चिनहट भेजा गया। 11 उपनिरीक्षक के भी किए गए तबादले। दो थाना प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की। चिनहट से धनंजय पांडे को वीरगंज भेजा गया, तो वहीं वीरगंज से घनश्याम मणि त्रिपाठी को चिनहट भेजा गया है। 11 उपनिरीक्षक के भी तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। दो थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए गए हैं, तो लगातार फेरबदल का दौर जारी है। इससे पहले आईपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए थे, उसके बाद उप प्रबंधक के भी तबादले, और अब दो थाना प्रभारियों को बदला गया है। तो बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। दो थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बता दें वीरगंज से घनश्याम त्रिपाठी को चिनहट भेजा गया है, तो वही चिनहट के प्रभारी को हटाया गया है। लखनऊ से दो प्रभारी, चिनहट वीरगंज इंस्पेक्टर के ट्रांसफर। चिनहट से धनंजय पांडे को वीरगंज भेजा गया, तो वहीं वीरगंज से घनश्याम मणि त्रिपाठी को चिनहट भेजा गया है। 11 उपनिरीक्षक के भी किए गए तबादले। बड़ी खबर इस वक्त की हम लखनऊ से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लखनऊ शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दो बड़े तबादले किए हैं, क्या वजह रही है तबादलों के पीछे? देखिए कीर्ति, ये लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने दो इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए, जिसमें से चिनहट और वजीरगंज है। चिनहट में जो इंस्पेक्टर धनंजय पांडे थे, उनको वहां से हटा करके वजीरगंज का चार्ज दिया गया है, और जो वजीरगंज में इंस्पेक्टर थे धनंजय घनश्याम मणि त्रिपाठी, उनको वहां से हटा करके चिनहट ट्रांसफर किया गया है। ये दोनों ट्रांसफर किसी शिकायत की वजह से किए गए, हालांकि गोपनीय शिकायत है और उसी की वजह से शायद पुलिस कमिश्नर को नाराजगी थी, इससे इन दोनों की वजह जो जगह है वो आपस में अदला बदली की गई है। ये कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर इस तरीके के ट्रांसफर तभी करते हैं या तो उनके खिलाफ या तो कोई शिकायत होती है, या पर उनके इलाके में कोई कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी होती है, क्राइम का थोड़ा क्राइम बड़ा होता है, तो ये दोनों वजह जो है ये कहा जा सकता है कि शिकायत पत्र के आधार पर हुई और शायद नाराजगी थी क्षेत्र किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर के, इसी की वजह से पुलिस कमिश्नर ने अभी कुछ देर पहले ही दोनों इंस्पेक्टरों को आपसी में अदला बदली की, जिसमें चिनहट और वजीरगंज से थाने शामिल है। शिक्षकों के भी तबादले किए गए हैं शिवा, उसको लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही है कि किन वजहों के चलते उन 11 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं? देखिए, सभी उपनिरीक्षक जो ऐसे हैं जो मध्य जोन में तैनात थे काफी समय से इधर से उधर, उनको आज 11 ऐसे उपनिरीक्षक हैं जिसको डीसीपी मध्य ने ट्रांसफर किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि कुछ चौकियां खाली पड़ी थी और कुछ चौकी प्रभारी को उनकी कार्यशैली की वजह से हटाना भी था, इसलिए ये कयास लगाया जा रहा था 4 से 5 दिन में कि एक लिस्ट तैयार होनी है, लेकिन संख्या इतनी नहीं थी, संख्या कयास ज्यादा लगाया जा रहा था। लेकिन 11 उपनिरीक्षक ऐसे हैं जिनको कल देर रात डीसीपी मध्य ने ट्रांसफर किया है, उसमें से कई चौकी प्रभारी जो है उसमें शामिल है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको चौकी प्रभारी से हटा करके डायरेक्ट थाने में रखा गया है। लेकिन कई ऐसे जो दरोगा है, जो उपनिरीक्षक है, जिनको साफ तौर से जो चौकी दी गई है उसमें बड़ी अहम जिम्मेदारी, चाहे वो आलमबाग इलाके की हो चाहे वो हजरतगंज इलाके की, ये दोनों इलाके ऐसे वीवीआईपी इलाके हैं जहां पर तमाम तरीके की गतिविधियां, और ये कहा जा सकता है वीवीआईपी मूवमेंट होता है, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको एक ये कहा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 11 उपनिरीक्षक समेत दो थाना प्रभारियों के तबादले किए गए हैं, बड़े स्तर पर ये तबादले किए गए हैं।